बिल्ली मरी भी पड़ी हो, कहते हैं शुक्र है आज अब्बा मरने वाले थे लेकिन उसके बदले में कौन मर गई? बिल्ली मर गई। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या ये बात सही है परिंदे पालने से जो आफत आती है वो हम वो लोगों में ये मशहूर है, एक सत्र पढ़ के मैं समझ जाता हूँ क्या पूछा है। लोगों में ये मशहूर है कि हम जब जानवर पालते हैं तो जो बलाएं आती हैं वो जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं। ये गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बिल्ली मरी भी पड़ी हो, कहते हैं शुक्र है आज अब्बा मरने वाले थे लेकिन उसके बदले में कौन मर गई? बिल्ली मर गई। तो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता जानवर पालने से जो आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे उसका सवाब आपको मिलेगा, इसलिए जानवर पालना चाहिए। लेकिन कौन से जानवर? बिल्ली पालना भी जायज़ है। हजरत अबू हुरैरा का नाम ही अबू हुरैरा, हिर्रा अरबी में बिल्ली को कहते हैं, हुरैरा बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, उनका नाम ही इसलिए पड़ गया था कि वो बिल्लियां पालते थे। तो बिल्ली पालना भी जायज़ है, लेकिन जब पालना ही है तो वो जानवर पालें जिसका इंसानियत को फ़ायदा है। बाज मुल्कों में यूरोप के ये हुकूमत की तरफ से उनको प्रमोट किया जाता है कि आप मुर्गियाँ भी पालें, बकरियाँ भी पालें, जानवर भी पालें, क्योंकि ये चार किस्म के जानवर इंसान के लिए बहुत मुफीद हैं। इनकी नस्ल बढ़ेगी, इनको लोग पालेंगे तो लोगों को क्या होगा? फायदा। ऊंट, गाय, बकरी और दुम्बा और मुर्गियां भी हैं, तो ये पाला करें। इसमें अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है, पैगंबरों की सुन्नत भी है बकरियां चराना। तो बकरी पालें, उसका दूध पिएं, दुम्बी पालें, उसका दूध पिएं, उससे बच्चे पैदा होंगे, वो बड़े होंगे, गोश्त खाएं या बेचें। बकरा आप लेके पाल लें, एक साल के बाद ऐसा खानदानी ऐसा महंगे दामों बिकता है जैसे कमेटी निकल गई हो आपकी, बहुत फायदा है उसका। और इसका जानवर पालने का एक फायदा यह भी होता है कि इससे इंसान में तवाज़ो पैदा होती है, तकब्बुर खत्म होता है। तीसरा फायदा, एक तो माशी लिहाज से फायदा, दूसरा तवाज़ो, तीसरा इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। हकीकत है इन जानवरों में अल्लाह ने कुछ खास बरकत रखी है। जब आप पालते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका पेट भरता है, उनका दूध, थोड़े दिन तो आपका थ्री पीस सूट और टाई जब होगी तो आप कहेंगे ये क्या है एक्चुअली, ये मैं मेरी बिल्कुल उसके खिलाफ है ये जो है ना, यानी मैं इतना बड़ा ऑफिसर और ये बकरी का दूध निकाल रहा हूँ और ये, लेकिन आप एक महीना करके देखें आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जो नेचर है ना उसका कोई अल्टरनेट पता है। जो दिमागी मरीज हो जाते हैं ना उनको बाज़ नफ्सियाती डॉक्टर ये मशवरा देते हैं कि आप बकरी पालें गाय पालें ताकि आपका दिमाग इन चीज़ों में लगे और टेंशन आपकी, वरना आप नहीं पालेंगे ना तो क्या होगा, सारा दिन यार मैं करोड़ कैसे कमा लूँ, मैं कैसे अमेरिका चला जाऊँ, इसी में लगा रहता है आदमी और वो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है। तो ज़हनी सुकून भी मिलता है। फिर भी कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है, बाज़ लोगों को बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता, वो बकरी आफत बन जाती है उनके लिए, ठीक है, थोड़ा सा खुद भी शौक होना चाहिए, नहीं है तो पैदा करें, फिर भी नहीं पैदा हो रहा तो रहने दें, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। ऐसा ना हो कि ला के घर में लॉन में, और कोई जगह भी होनी चाहिए उसके लिए ना, छत पे रखें, ऐसा ना हो कि घर में जो है ना बैठक में ला के भैंस खड़ी कर दें तो घर वालों से पड्डे हो रहे हैं आपके, कोई जगह भी होनी चाहिए कच्ची, नहीं है तो छत पे मिट्टी डाल के भी कच्ची जगह बन जाती है, वहाँ भी पाले जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा।